हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के बारे में। स्टूडेंट्स, आप सभी के द्वारा बार बार कमेंट्स किए जा रहे हैं कि सर इसका एग्जाम कब होगा और कब तक इसका एग्जाम हो सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी इसका एग्जाम होगा उसकी डेट हम आपको बता देंगे, लेकिन उसके बाद भी जब आप लोगों से का द्वारा पूछा जाता है कि सर इसकी संभावित डेट क्या होगी, तो लगभग आप ये मान के चलिए कि आपका 15 मार्च से अप्रैल स्टार्टिंग में आपका ये पेपर हो सकता है, ऐसी एक संभावना है। जब भी डेट आएगी उसके बारे में हम आपको अपने इन्हीं इसी चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कब आपका पेपर होने वाला है। और अधिकांश बच्चे तो अब इतने एक्सपर्ट हो गए हैं और हमारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है उसमें बहुत जल्दी से ही हर एक मैसेज, हर एक नोटिफिकेशन पहुंच जाता है, तो आपको मिलेगी ही जानकारी, लेकिन उसकी विस्तृत जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। एक बात और, हम बात करें कि जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के लिए हम प्रिपरेशन कैसे करें, तो देखिए मैंने आपको सिंपल सा बताया हुआ है। इंग्लिश के लिए आप AK सिन्हा पढ़ सकते हैं, उसमें SSC के ओल्ड क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं, अगर आप वो बुक देखें और लगभग जूनियर जुडिशियल के जो पिछले पेपर हैं उनको उठा के देखें तो सिमिलर क्वेश्चंस रहते हैं। साथ में कंप्यूटर के लिए अधिकांश वीडियोस हमारे चैनल पर कंप्यूटर से रिलेटेड CPCT जब हम पढ़ा रहे थे उस टाइम की हैं, प्लस कोर्ट के एग्जाम के लिए जब हमने पढ़ाया है तो आप लोगों को वो भी है। देखिए क्वेश्चंस तो बेस्ट कॉमन ही रहेंगे, चाहे वह CPCT हो या आपका हाई कोर्ट का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एग्जाम था उसके लिए हो, तो आप अगर उन वीडियोस को देख लेते हैं तो आपको इस पेपर में आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। इसके अलावा हम बात करें अगर यहाँ पर टाइपिंग प्रैक्टिस की, तो देखिए आप लोगों को टाइपिंग प्रैक्टिस में आपको लीगल मैटर ज्यादा करने चाहिए प्रैक्टिस, ताकि आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो सके, क्योंकि एग्जाम में आपका लीगल मैटर ही अभी आपको देखने को मिला था और इंग्लिश में भी आपका लीगल ही मैटर आपको देखने को मिला था, तो आप उनकी प्रैक्टिस करिए। देखिए स्टूडेंट्स, चाहे तो आप 10FastFinger एक वेबसाइट है, आप सभी ने, अधिकांश बच्चों ने चला के यूज करके देखी होगी। टेक्स्ट प्रैक्टिस पे जब जाते हैं आप लोग 10FastFinger में, तो आपको तमाम प्रकार के यहाँ पर टेस्ट देखने को मिल जाते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, हालांकि इसमें ऐड बहुत आते हैं, लेकिन आपको तमाम प्रकार के इंस्टीट्यूशन के यहाँ पर आपको मैटर्स देखने को मिल जाते हैं, और अधिकांश आपको इंग्लिश के मैटर्स बहुत ज्यादा मिलते हैं और हिंदी के मैटर कम मिलते हैं। लेकिन इसी में जब आप सर्च में यहाँ पर सक्सेस विथ यू डालेंगे, तो आपको सक्सेस विथ यू के पर्याप्त यहाँ पर इनफ मैटर्स मिल जाते हैं। देखिए कंप्लीट भी बहुत से बच्चे डेली के डेली करते हैं, यहाँ पर 100+ बच्चे अक्सर मैटर्स को हमारे प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब आप कहेंगे सर आप क्यों बता रहे हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसी को लेके हमने आपको सब चीजें पारदर्शिता के साथ बता दी, ताकि जो बच्चे ऐसा कहें कि सर आप ऐड कर रहे हैं अपने कोर्स का, तो बिल्कुल ऐड नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो फ्री वाले कोर्स को जो हम पब्लिक करेंगे उनको आप मैटर्स को ले लेंगे, लेकिन जो हमने प्राइवेट मैटर्स करे हुए हैं टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए, ये मैटर किन को मिलेंगे, ये मैटर उन बच्चों को मिलेंगे जिन्होंने जूनियर जुडिशियल के लिए हमारा ये कोर्स परचेस करा होगा। हमने सब बातें आपको बता दी, आपको कंप्यूटर हमारे वीडियोस डले हुए हैं यूट्यूब पे, आप उनको देखिए। इंग्लिश के लिए AK सिन्हा की SSC की बुक आती है, अगर आप उसको पढ़ने की आपकी क्षमता है तो आप उसको पढ़िए, बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद आप टाइपिंग के लिए मैंने आपको 10FastFinger वेबसाइट बताई है, सब कुछ आप सिर्फ URL बार में डालिए और 10FastFinger पे पहुंच जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी अगर आप चाहते हैं कि और बेहतर आपकी तैयारी हो सके, तो इसके लिए देखिए यहाँ पर 199 का जो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का हमारा कोर्स है, आप इसको लीजिएगा। अधिकांश बच्चे 99 वाला ले लेते हैं, लेकिन उसको मत लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी और 30 टेस्ट मिलेंगे, और ज्यादा आपको टाइपिंग के लिए मैटर्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप लेते हैं 199 वाला कोर्स, तो इसमें क्या क्या मिलेगा, चलिए इसको आप देखते हैं। जैसे ही आप इस कोर्स पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इस प्रकार से आपको इंटरफेस देखेगा। आपको कंटेंट पर क्लिक करेंगे, कंटेंट में देखिए पहले तो स्टोर का ऑप्शन आपने स्पष्ट देख लिया है, फिर उसके बाद आपने कोर्स को सिलेक्ट करा, फिर कंटेंट का ऑप्शन। यहाँ पर आपको फ्री एक कंटेंट दिया हुआ है, आप जैसे ही क्लिक करें तो जो आपको अनलॉक्ड है उस PDF पर क्लिक करके, और
मैटर पर जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप 10 फास्ट फिंगर पर पहुंचेंगे। आप प्रैक्टिस करके देख लें क्या आपकी ये जो टाइपिंग है ये प्रॉपर हो रही है। इस टाइपिंग को करने के लिए आपको देखिए आपके में रिंग इंडिक इनपुट 2 हो तो बेटर है, ये होगा। और उसके बाद आप टाइपिंग करके एक बार देख लें, संतुष्ट हो जाएं कि आपके सिस्टम में 10 फास्ट फिंगर वर्क कर रहा है, क्योंकि हमारे सारे मैटर्स इस पे रहेंगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो पाएगी। अगर प्रॉपर वर्क कर रहा है तो आप इस हमारे कोर्स को लीजिए, अगर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो बिल्कुल मैं कहूंगा आपसे स्पष्ट कि आप हमारे कोर्स को परचेस मत करिए, क्योंकि अगर आपने ये कोर्स परचेस करा और हो सकता है कि फिर आपका जब टाइपिंग वर्क नहीं करेगी तो आपको प्रॉब्लम होगी। रही बात मैटर्स की कि मैटर्स कैसे रहेंगे, तो सारे के सारे लीगल मैटर रहेंगे। चाहे तो आप इंग्लिश में टाइपिंग करने की बात कर रहे हो या आप हिंदी में टाइपिंग की बात कर रहे हो, आपको सभी में रहेगा। और इसमें टोटल 100 मैटर्स रहेंगे, अभी कुछ कम अपलोड है लेकिन आप विश्वास मानिए आपको बहुत जल्दी मैटर्स मिल जाएंगे। साथ ही में आपको यहाँ पर कंप्यूटर की कुछ स्पेशल PDF जिनसे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके, कुछ वीडियोस जो हमने इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एग्जाम के समय बनाई हुई थी, लेकिन देखिए सिमिलर ही रहता है, वहां पर हमने 20-20 क्वेश्चन समझाए हुए थे आप लोगों को, और लगभग वैसा ही आपको यहाँ पर भी वही क्वेश्चन सिमिलर आपको JJ में मिल जाते हैं देखने को। इसके बाद में यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट देने को मिलेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको 50 के अप्रोक्स में आपको मॉक टेस्ट देने को मिल जाएंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके। अगर आप ऐसा क्लिक करके देखेंगे तो आपको 10 क्वेश्चन जो आपके कंप्यूटर के आने हैं और 10 क्वेश्चन जो आपके आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे इंग्लिश के, तो आपको बिल्कुल यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे 10 कंप्यूटर के और 10 इंग्लिश के। आप इनका पेपर बिल्कुल इंटरफेस ऐसा है जैसा एग्जाम में आने वाला है। तो जब इतनी चीजें आपको एक कोर्स के अंदर मिल रही हैं, तो बिल्कुल मैं विश्वास से कह सकता हूं कि आप लोग एक कोर्स लीजिए। सिर्फ ऐड नहीं है बच्चों, समझिए, आपको अगर सही समय पर हम अपने कोर्स की जानकारी नहीं देंगे तो आप लोग प्रिपरेशन कैसे करेंगे। अनेकों बच्चों ने जिन्होंने शॉर्ट हैंड का हमारा कोर्स लिया था या डिक्टेशन का कोर्स लिया था, बहुत हेल्पफुल रहा और उनके बहुत अच्छे पेपर गए हैं। और देखते हैं अभी, हालांकि कुछ विवादों में है वह वैकेंसी, लेकिन देखते हैं उसका समाधान क्या आता है। लेकिन जो जूनियर जुडिशियल की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आप इस कोर्स को जरूर लीजिए। स्टूडेंट्स, यदि हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।